अस्सलाम वालेकुम, किया हाल है? जन्नतुल हलालुन दोज़कुल हरामुन शाबाश। ये गाइस मेरी छोटी सी इंट्रो वीडियो है। नाम शाम तो इससे आपको चवल का पता ही होगा क्या? नहीं ठीक है, तो आप लोग कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। सबसे बात यह है कि इसको बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्या नाम है, अपना इंट्रो बनाने में, तो मैं इस चवल को ठा रहा हूं। मैंने कहा अपने बारे में बता भाई, सबको पता तो है, नाम इसका है अरसलान, एज मुझे नहीं पता, बताओ जरा। एज है मेरी 19 साल। ठीक है, ये करना चाहता है व्लॉगिंग। ठीक है, घर से इसकी सपोर्ट कोई नहीं है, तो अपनी स्टोरी जरा अपने मुंह से खुद बताओ जरा। अपनी स्टोरी मैं बताता हूँ कि भाई मुझे ना घर वालों की सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी व्लॉगिंग के। मेरा दिल था कि मैं भाई अपना टैलेंट लोगों को दिखाऊं, लेकिन पापा को नहीं था कि मेरे अंदर ये मेरे जैसी जो है ना चवलियां मारना चाहता है। चाहता हूँ ठीक है, तो आप तो... लोगों को हंसाना चाहता है, गप्पे मारना चाहता है आप लोगों के साथ, और इसके घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं। इसको कहते हैं कि दुकान पे मार, ये तो... दुकान पे इसका दिल को ही नहीं लगता। ठीक है, तो सीन ये है कि इसके घर से इसको जब इसके घर वालों ने देखा कि काम घूम भी नहीं कर रहा, कोई वेला बैठा रहता है, चवनियां मारता रहता है, फिर इसके घर वालों ने कहा चल जो तेरा दिल करता है ना वो तू कर ले। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि जनाब साहब व्लॉगिंग करना चाहते हैं, इसके पास मोबाइल नहीं था। ठीक है, मर मरा के मेरे से ज्यादा कौन जाता है, 200 ज्यादा कोई भी नहीं जाता है। बात तो सही है। अपना मोबाइल हमें पता है कितनी मुश्किल से लिया है, ठीक है, वो हम जानते हैं। ठीक है, तो इसने मोबाइल वगैरह अपना लिया है, तो व्लॉगिंग करना स्टार्ट, मैंने कहा अपना इंट्रो कर, करीब 25-30 इसने वीडियो बना लिया है, इसका इंट्रो नहीं हुआ। मैं भाई अपने बारे में बता दुख दर्द पर, मैं चल मैं ही दस दिन दुख भर कहानी कहानी ये है कि इसको घर से बता दिए यार मैंने स्पोर्ट नहीं थी, तो इंट्रो वीडियो ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जो है ना ब्लॉगिंग में स्टार्ट होगा, आप लोगों को एंटरटेन करेगा और काफी मजे के जो है ब्लॉग्स वगैरह बनाएगा, तो काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट बनेगा, चैलेंज भी शायद आने वाले वक्त में करे, प्रैंक्स भी करे, पता नहीं क्या करेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो इसको ही पता हो। ठीक है, तो काफी शुगर लगाएगा, अब वो मुझे नहीं पता ये क्या लगाएगा और कैसे आप लोगों को एंटरटेन करेगा, क्या करेगा, तो भाई क्या करोगे? अपनी वाम को राजी करूंगा, उन्हें खुश करूंगा। राजी करेगा कि ये मतलब के वीडियोस यार ने एंटरटेन कर दिया, तू गलत जेन में लेके जा रहा है। मैं ऐसे थिंकिंग और निकल उधर उधर इधर उधर निकल जाता है गलियां देख के। तो ये है इसका छोटा सा इंट्रो, आप लोग कहोगे रेहान भाई इंट्रो इतना बोली तू जाना से। शुरू में हर बंदा जो है ना कंफ्यूज होता है, ठीक है, उसको कोई समझ नहीं आ रही। उसने करीबन 25 सुबह बनाया टेक, कल रात को दिखाया रेहान सही है, मैं क्या घटिया तरीन पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसने फिर इसने मेरे साथ मेहनत की, इधर 20-30 चलाए, तो शुरू में बहुत कंफ्यूज था यार, किस तरह बनाऊं, क्या आप लोगों से गुफ्तगू करूं, क्या करूं, कि इंट्रो में अपना कुछ तो बताना कुछ है मैंने। कुछ तो बताना, चलो अब थोड़ा सा मैं बताता हूं कि बाबा मुझे कहते थे कि भाई शो पे जा, तुमसे ना हो पाएगा। मेरा बिल्कुल भी शो पे दिल नहीं लगता था, मैं बाबा को नहीं बताना चाहता था, पापा मेरे थोड़े हैं स्ट्रिक इन मामलात में, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। चलो तुमको तो थोड़ा सा बता दें, वो तो पक्की बात, वीडियोस में पता चल जाएगा। ओके, दो तीन ही खोलता, ठीक है। हाँ तो भाई बाबा मुझे कहते थे कि भैया मेरे साथ बिजनेस में आओ, इन कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मुझे पता ना कि भाई सोशल मीडिया में आके इंसान को बहुत सी वैल्यूज मिलती हैं, उसका नाम मिलता है, उसको लोग जानते हैं, करियर वगैरह ये खुद लेना चाहता हूँ। ठीक है, जितने समझ नहीं आ रही क्यों बोला तो बाबा मुझे कहते थे शो पे जाओ, मैं शो पे जाता था लेकिन मेरा उधर बिल्कुल भी दिल नहीं था लगता। चलो आगे बोलता हूँ। फिर मैंने भैया एक बार पापा को कहा कि पापा जी मेरा दुकान पे बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे एक बार इजाजत दे दें। पापा ने इजाजत दे दी, उसके बाद फिर इसने अपने बाबा को मेरे बारे में बताया कि रेहान भी इस तरह मैं भी करना चाहता हूँ, मेरा भी दिल इसी में ही है, एक बंदे का टैलेंट होता है, मैं अपना दिखाना चाहता हूँ अपना खुद से। तो सीन बस यही है कि ये इसका छोटा सा इंट्रो है, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे कहने पे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाएगा आने वाले वक्त में। जहर सी बात है, शुरू में तो मैं जो है जहर सी बात है, इसको भी कैमरा शैमरा जो है नहीं पकड़ गया।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं तो कहता हूँ तू हमें इतना एंटरटेन करता है भाई, पब्लिक को भी इसी तरह कर इंशाल्लाह। तो इसके बड़े बड़े मजे के ब्लॉग्स आएंगे, आपका भाई कह रहा है इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस पे, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ करेगा, देखो ना अभी भी जो है ना एंगल इसका सेट नहीं है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ये इसका छोटा सा मिनी इंट्रो था, इंट्रो है। तो बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में ये क्या करता है, बाकी चलो कुछ ना कुछ करेगा बच्चा मेरा, सही खेल गया बहन। बाकी इंशाल्लाह आगे पता नहीं क्या करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बाकी ये इंट्रो है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छा अगले व्लॉग्स में इंटरटेन करेगा, पता नहीं क्या करेगा। आएंगी। बाकी गुड हो गया, बाय बाय बाय।